बेटा लस्सी पियोगे? नहीं। बेटा दूध पियोगे? नहीं। बेटा जूस पियोगे? नहीं। बिल्कुल माँ पर गया है, लगता है खून ही पिएगा। दिन भर मोबाइल में लगे रहते हो, कभी कभी बुक खोलकर देख भी लिया करो। पापा मैं तो रोज बुक खोल के देखता हूँ और मैं तो रोज उसे पढ़ता भी हूँ। कौन सी बुक खोलता है तू रोज? पापा फेसबुक खोलता हूँ। बेटा ये बता, तू 12वीं पास करके क्या करेगा? पापा मैं तो BCA करूँगा। अरे ये BCA क्या होता है बेटा? पापा BCA का मतलब होता है बाप के कैश पे ऐश। पापा आप तो इंजीनियर हो, फिर ये अंगूठा क्यों? राम खोर, तेरे मार्क्स देखकर टीचर को नहीं लगना चाहिए कि तेरा बाप पढ़ा लिखा है। पापा ये मर्द कौन होता है? जो इंसान पूरे घर में अपनी हुकूमत चलाए वो मर्द होता है। पापा मैं भी बड़ा होकर मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। पापा ये बताओ शादी में कितना खर्चा हो जाता है? अब क्या बताऊं बेटा, मैं तो अभी तक खर्च ही कर रहा हूँ। पापा ये बताओ अगर आप रास्ते पे जा रहे हो और वहाँ 500 का और 2000 का नोट पड़ा हो तो पहले कौन सा उठाओगे? बेटा मैं तो 2000 का नोट पहले उठाऊंगा। पापा इसीलिए आप पे चुटकुले बनते हैं और सब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। क्यों बेटा? पापा आप दोनों नोट भी तो उठा सकते हो। बेटा तुम इस दुनिया में किसी से मत डरा करो, क्योंकि तुम शेर की औलाद हो। सही कह रहे हो पापा, क्योंकि कल टीचर भी यही बोल रही थी। क्या कह रही थी तुम्हारी टीचर? वो कह रही थी जाने किस जानवर की औलाद है। पापा आपको पता है प्यार एक वायरस है। और किवाड़ के पीछे रखा लठ एंटीवायरस है, कहे तो अभी तेरे सिस्टम में इंस्टॉल कर दूं। वेटर एक बियर और एक आइसक्रीम लाओ। आइसक्रीम क्यों पापा, आप भी बियर लीजिए ना। क्या कर रहे हो बेटा? पढ़ रहा हूँ पापा। शाबाश, क्या पढ़ रहे हो? आपकी होने वाली बहू के SMS। रिजल्ट क्या आया तेरा? पापा एक बैड न्यूज है और एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज बता। मैं पास हो गया। वाह, और बैड न्यूज? गुड न्यूज गलत है।